हेलो मेरे लिटिल स्कॉलर्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। जी हाँ बच्चों, आज जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9, और उस पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है अकल का तुम्बा। जी हाँ, और इसकी इस पाठ का नाम है अकल का तुम्बा, जो आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक बार अकबर के पास ईरान के बादशाह ने एक संदेश भिजवाया। सुना है आपके पास नवरत्न है, अगर थोड़ी सी अकल भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। अब अकल कौन भेजे? अंत में अकल भेजने का काम बीरबल को मिला। बीरबल ने 3 ऐसे घड़े बनवाए जिनका मुंह बिल्कुल संकरा था और आकार काफी बड़ा था। मतलब संकरा का मतलब ये छोटा छोटा सा, और आकार यानी कि साइज, यानी कि वो बहुत घड़े बहुत बड़े थे लेकिन उनका मुंह काफी संकरा था। फिर उसने बढ़िया किस्म का तुम्बे का बीज मंगवाकर उगाया। जब उसमें फल लग गए तो एक एक फल उसमें डाल दिया। जब वे फल बढ़कर पूरा तुम्बा बन गए तो बीरबल ने उन्हें काट लिया और घड़ों का मुंह बंद करके उन्हें ईरान के बादशाह के पास संदेश भिजवाया, जिन घड़ों से अकल निकाल ले और उन्हें इन घड़ों से अकल निकाल ले और घड़े वापस भेज दे। ईरान का बादशाह पहले तो यही ना समझ पाया कि आखिर इतने बड़े तुम्बे इन घड़ों में कैसे जा सके होंगे। थोड़ी देर बाद इस पहेली का अर्थ शायद वह समझ गया और अपनी बेवकूफी पर बहुत हंसा। तो देखा बीरबल कितने बुद्धिमान थे और कितने समझदार थे। कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी काम होता था, बीरबल उसे चुटकियों में कर देते थे, जैसे हमने इस कहानी में सुना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी हाँ, हमसे पूछा गया है कि ईरान के बादशाह ने अकबर से क्या मंगवाया। ईरान के बादशाह ने अकबर से क्या मंगवाया? ईरान के बादशाह ने अकबर से अकल का तुम्बा मंगवाया था। घड़ों का मुंह कैसा था? घड़ों का मुंह संकरा था। घड़ों का मुंह क्या था? संकरा था। घड़ों का आकार कैसा था? घड़ों का आकार बड़ा आकार था। घड़े कैसे थे? बड़े थे। घड़ों का आकार बड़ा आकार था। किस किस्म के बीज मंगाकर घड़ों में डाले? किस किस्म के? तुम्बे के बीज। किस किस्म के? तुम्बे के बीज जो थे वो इस घड़ों के अंदर डाले गए। और अब चलते हैं आगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें सही पहले पढ़ना है कहाँ सही है। नवरत्न किसके दरबार में थे? ईरान के बादशाह, अकबर के, बीरबल के, या किसी के नहीं? नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न अकबर के दरबार में थे। और आगे, बीरबल ने कितने घड़े मंगवाए थे? बीरबल ने 2, 3, 4 या 5? बीरबल ने 3 घड़े मंगवाए थे। ईरान का बादशाह किस पर हंसा? ईरान का बादशाह अकबर पर, बीरबल पर, अपनी बेवकूफी पर, या अपने मंत्री पर? ईरान का बादशाह अपनी बेवकूफी पर हंसा था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो हमारे खाली स्थान है हमें उसको भरना है। तो सबसे पहले, अकबर के पास ईरान के बादशाह ने क्या भिजवाया? संदेश भिजवाया। अकल भेजने का काम किसको मिला? अकल भेजने का काम बीरबल को मिला। घड़ों का मुंह कैसा था? घड़ों का मुंह संकरा था। घड़ों का मुंह यानी कि घड़े जो थे बहुत ही छोटे, उस घड़े का जो मुंह था बहुत छोटा था और साइज आकार जो था बहुत बड़ा था। ईरान का बादशाह किस पर हंसा? ईरान का बादशाह खुद की, अपनी
अपनी बेवकूफी पर ईरान का बादशाह खुद पर अपनी बेवकूफी पर हंसा था कि मैंने क्या मंगवाया। कोई अकल बांटने की चीज होती है, कोई अकल चीज थोड़ा ना होती है, अकल तो खुद की होती है। तो जब आदमी उसको ये चीज महसूस हुई, जब उसको ये चीज सोची उसने, तो उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। आशा है बच्चों आज का ये पाठ आपको भी बहुत मनोरंजक लगा होगा और आपको बहुत आनंद आया है ना। अगले पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके पास आते हैं, तब तक के लिए आभार।